नमस्ते। आज मैं अपने बेटे प्रांजल के बारे में बताने वाली हूँ। उसे खाने में चॉकलेट अच्छी लगती है। आप सोच रहे होंगे आज मैं इसके बारे में क्यों बताने वाली हूँ, क्योंकि 26 फरवरी को इसका बर्थडे आने वाला है। तो मैं आप कुछ कुछ बियर हैबिट्स के बारे में, इसकी कुछ बताऊँ या बैड हैबिट्स के बारे में बताऊँ? गुड हैबिट्स के बारे में। तो मैं इसकी गुड हैबिट्स में पहली गुड हैबिट्स को कवर करती हूँ कि इसकी किचन स्किल्स। जब कभी भी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो ये किचन में इसको अच्छे पॉपकॉर्न बनाना आता है, ब्रेड इसको बेक करना आता है, और इसे पराठा बनाना भी आता है, मैगी बना लेता है मेरा बेटा, और भेलपूरी तो इतनी अच्छी बनाता है कि मैं क्या नमक डालना लग रहा है। 2 minutes लेट डाउन। पापा लो, मैंने पापा पॉपकॉर्न सीखी है, बताओ कैसी है। अब मैं आपको इसकी क्रिएटिविटी के बारे में बताना चाहती हूँ। जब ये जगता है तो अपनी बॉडी से बिजी रहता है, अगर ये कभी भी फ्री बैठा है, शांत बैठा है, तो ये अपने माइंड को अपनी क्रिएटिविटी में इतना बिजी रखता है कि फिर जब वो फिर उससे कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है अपने टॉयज को। मतलब माइंड में हमेशा बिजी रहता है, बिजी रह सो रहा है तो भी इसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मेरे पास एक थर्माकोल बोट है, हमने इसमें रबर बैंड्स यूज की हैं। जब हम ऐसे रोटेट करते हैं ना, ये चलती है पानी में। फिर मैं अपनी नेट्स करनी है, मेरे भैया ने दी थी तो ये खराब हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड यूज किया जैसे सही चलती है। और ये मेरा ड्रोन, ये उड़ता भी है देख सकते हैं आप। और ये मेरी कितनी अच्छी गन है, इसमें हम कुछ भी डाल के चला सकते हैं। ऊपर से इसमें लेजर लाइट भी है देख सकते हो आप, देखो लेजर। लेजर वाली बंदूक की से कुछ इस टाइप की है। ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। इसमें हमने लेजर लाइट भी लगाई है, ये लेजर लाइट आप मेरे हैंड्स पे दे सकते हैं। थोड़ी वियर हैबिट से कि अपनी थर्ड स्टैंडर्ड में स्टडी करता है, लेकिन इसे साइंस में इतना इंटरेस्ट है कि अपनी पढ़ाई छोड़ के 8th स्टैंडर्ड को 9th स्टैंडर्ड की साइंस को कवर करने की कोशिश करता है, और उसे समझता भी है। आज मैं अपनी 8th क्लास की दीदी की बुक पढ़ूंगा। मुझे तुम एटम बताओ, एटम क्या होता है? एटम, एटम में 3 पार्ट्स होते हैं। मुझे डिफाइन करो कि इलेक्ट्रॉन का क्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के पास घूमता है। अरे वाह। इसकी बैड हैबिट्स बताने चाहूंगी लास्ट में कि इसकी बैड हैबिट्स है कि ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेज को देखकर इतना इरिटेट हो जाता है कि उस दिन खाना ही नहीं खाता है, कहता है मुझे भूख नहीं है। ग्रीन करियंडर वाली जो सॉस बनती है चटनी, वो भी खाना पसंद नहीं करता। ऐसे ग्रीन वेज से बहुत हेट है, और इवन कोई भी सब्जियां नहीं खाता है, सिर्फ सूखी दाल चावल, इसके सिवा ये कुछ नहीं खाता। तो यही इसकी बैड हैबिट्स है कि ग्रीन वेजिटेबल से मत बताओ।